गुजरात के नवसारी जिले में स्थिति वानसदा राष्ट्रीय उद्यान मात्र 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक बेहद घना और गहरा वन्य जीव अभयारण्य है। वानसदा राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं अपने दक्षिण भाग में स्थित डांग वनवासी क्षेत्र के जंगलों तक पहुंच जाती है और इस वजह से इस राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण डांग वन विभाग द्वारा किया जाता है। यह वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले वानसदा के तत्कालीन राजा की निजी संपत्ति था। वैसे तो वानसदा राज परिवार के द्वारा वानसदा के जंगलों में 1952 के बाद से ही पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में जब वानसदा के राजा ने यह वन क्षेत्र गुजरात सरकार को सौंप दिया तो सरकार ने 1979 में वानसदा वन क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया। उसके बाद से यह स्थान वानसदा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला की तलहटी में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान का अधिकतर भूभाग समतल है और बेहद घना है। मानसून के समय वानसदा राष्ट्रीय उद्यान में औसतन 2000 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है और उद्यान के समीप बहती हुई अंबिका नदी की वजह से भी इस राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति बेहद गहरी और घनी रहती है। उद्यान के कुछ हिस्सों में वनस्पति इतनी ज्यादा गहरी है कि दिन के समय में भी सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। वानसदा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा वन्यजीव अभयारण्य हो सकता है, लेकिन वानसदा राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति और वन्य जीवन इस जंगल के क्षेत्रफल के एकदम उलट है। यहाँ की वनस्पति जितनी ज्यादा घनी और गहरी है उससे कहीं ज्यादा विभिन्नता यहाँ का वन्य जीवन अपने आप में समेटे हुए है। कुंडी, गामित, कुकना, भूई, वार्ली और भील जैसे आदिवासी समुदाय के लोग आज भी वानसदा राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में अपने स्थायी निवास बनाकर रहते हैं और अधिकांश आदिवासी परिवार अपने जीवन यापन के लिए उद्यान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। वानसदा राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों के आकर्षण का मुख्य केंद्र यहाँ पाए जाने वाले छोटे छोटे वन्य जीव है। भारत के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान से ज्यादा संख्या में मकड़ियों की प्रजातियाँ वानसदा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यहाँ लगभग 121 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियाँ हैं। इनमें सब में भी इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मकड़ी वुड स्पाइडर है, जिसे इस उद्यान में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। अभी कुछ समय पहले वानसदा राष्ट्रीय उद्यान में 8 नई मकड़ियों की प्रजाति और पाई गई है। कोबरा, रसेल क्रेट वाइपर और क्रिक्स जैसे दुनिया के सबसे जहरीले सांप और अजगर को मिलाकर इस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 30 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां भी चिन्हित की गई है। इसके साथ ही सांपों के सबसे प्रिय भोजन मेंढक की भी 11 प्रजाति वानसदा राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। इस उद्यान में अलग अलग किस्म के कीड़े और घोंघे के अलावा 60 से ज्यादा किस्म की तितलियां भी दिखाई दे सकती है। जंगल में कुछ बड़े शिकारी जानवर भी है, जिसमें तेंदुआ यहाँ का मुख्य शिकारी जानवर है और उसके अलावा यहाँ पर जंगली बिल्ली, धारीदार लकड़बगा, जंगली सुअर, कॉमन पाम सिविट और स्मॉल इंडियन सिविट जैसे वन्य जीव शामिल है। चीतल, बाकिंग हिरण, साही, रीसस मैकाक, लंगूर, चौसिगा, गिलहरी, पेंगोलिन और लोमड़ी जैसे वन्य जीव भी इस राष्ट्रीय उद्यान में बहुत अधिक संख्या में देखे जा सकते हैं। प्रवासी पक्षियों की 155 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। इस वजह से पक्षी प्रेमियों के लिए वानसदा राष्ट्रीय उद्यान सबसे उपयुक्त वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। वानसदा राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी घाट पक्षी विहार के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माने जाते हैं। उद्यान में लीफ बर्ड्स, ग्रे हॉर्नबिल, रैकेट टेल ड्रोनगो, पोम्पोडोर पीजोन, बैक सनबर्ड, भारतीय महान काले कठफोड़वा, मालाबार तूल, पैराडाइज फ्लाईकैचर, मोर, थ्रश, जंगल बबला, शमा, पन्ना कबूतर और पीला जैसे पक्षियों देखे जा सकते हैं। इसके के अलावा लुप्तप्राय स्पॉटेड उल्लू को वानसदा राष्ट्रीय उद्यान में देखा जा सकता है। वानसदा राष्ट्रीय उद्यान के जंगल बेहद घने और गहरे हैं। उद्यान के कुछ हिस्से तो इतने घने हैं कि वहां पर दिन के समय भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है।
उद्यान की वनस्पति के इतना घना और गहरा होने का सबसे बड़ा कारण 1952 के बाद से इस उद्यान में अवैध रूप से पेड़ पौधों की कटाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। वानसदा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 450 के आसपास पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें सागवान और बांस के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के अलावा 443 फूलों की प्रजातियां इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। जंगल के कई हिस्सों में कटास, बांस और सागवान के पेड़ की ऊंचाई 120 फुट तक चली जाती है। वानसदा राष्ट्रीय उद्यान मानसून की वजह से जून से लेकर अक्टूबर महीने तक पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहता है। नवंबर के पहले सप्ताह से लेकर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक वानसदा राष्ट्रीय उद्यान में घूमने का सबसे अच्छा समय रहता है। वानसदा राष्ट्रीय उद्यान से सूरत के डुमस एयरपोर्ट की दूरी मात्र 120 किलोमीटर है। देश के कई प्रमुख शहरों से सूरत के लिए नियमित हवाई सेवा उपलब्ध है। सूरत के अलावा नासिक के ओझर एयरपोर्ट से भी वानसदा राष्ट्रीय उद्यान की दूरी भी मात्र 120 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से भी वानसदा राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सीमा के पास में स्थित होने के वजह से दोनों राज्य से वानसदा राष्ट्रीय उद्यान के लिए नियमित रूप से सरकारी और निजी बस सेवा उपलब्ध है। बस के अलावा पर्यटक कैब और टैक्सी के अलावा अपने निजी वाहन से भी बहुत आसानी से वानसदा राष्ट्रीय उद्यान पहुंच सकते हैं।